वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सना, जैसे कि आप सब जानते हो। और कैसे हो आप सब, पहले तो ये बता दीजिए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। और आज का वीडियो ना बहुत डिफरेंट है, बहुत स्पेशल वाला वीडियो है। एक ज्वेलरी को आप किस तरीके से ऐसे मांगती का यूज़ कर सकते हैं, मैं वो बताने वाली हूँ। आपने ईयर रिंग्स तो बहुत सारे पहने होंगे ना, बट क्या एक ईयर रिंग को एज ए मांगटी का कभी यूज़ किया है? अगर नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। ज़रूर देखिएगा एंड तक। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। और मैं एक एक वीडियो के लिए बहुत सारी मेहनत करती हूँ, तो आपका एक लाइक मेरी मेहनत में थोड़ा सा चार चांद लगा देगा। तो प्लीज़ एक लाइक करते जाइएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर की तरफ इस तरीके से कॉम कर लीजिए और अपने ईयरिंग को लेकर इस तरीके से अपने बालों को इस तरीके से पकड़ के और बीच सेंटर में जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं इस तरीके से लगा लीजिए। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये ऐसे नहीं रुकने वाला है, मैं साफ बोल रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉबी पिन लेकर और आप इसको सेट कर दीजिए। आप इस तरीके से इसको सेट कर दीजिए और आपकी बॉबी पिन ना दिखे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बालों को यहाँ से लेकर और इस तरीके से कर लीजिए। तो बहुत अच्छा लुक आता है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और आप चाहें तो एक और बॉबी पिन से आप यहाँ पे इसको सिक्योर कर सकते हैं इस तरीके से। अपने बालों को हल्के से बाल लेकर आप यहाँ सेट कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, बिल्कुल भी आपकी बॉबी पिन है नहीं दिखेगी और आपका लुक देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, मैं नहीं लगाती हूँ। और देखिए, तो आप बताइएगा कि आपको एज ए ईयरिंग एज ए मांगटी का कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आता है। तो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच मेरी एक मेहनत के लिए। एक लाइक कर दीजिए, बाय बाय।